हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता। बच्चों, आप लोगों को साइंस क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2, जो हम लोगों का पहले से चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में पोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो हम लोग बच्चों, मनुष्यों में आपकी पाचन की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों का उपयोग होता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए आज हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लास्ट सेशन में आप लोगों ने जाना था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत होती है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। एक बहुत लंबी कुंडलित नली होती है, यानी कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो लंबाई में बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे हम वो बहुत बड़ी कुंडलित संरचना होती है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो पोषक तत्व आपके भोजन में है, जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप खाते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उनका क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक दीवारों पर उनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस एड ट्रांसपोर्टेड वाई आर द ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और उसके बाद प्रोटीन्स को या अलग अलग सभी पोषक तत्वों को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सेल्स में ग्लूकोज क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, यानी जो आपके मुंह में मंड का जो ब्रेक डाउन हुआ था, जब वो ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होता है हर अलग अलग कोशिका में ऑक्सीजन की हेल्प से, और उसके बाद वो वाटर और एनर्जी मुक्त करते हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया का क्या नाम है, इस प्रक्रिया का नाम है बच्चों श्वसन प्रक्रिया, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो पचता नहीं है या बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है, जो बच जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एंटर कर जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो उसके बाद अब हम लोग वृहदान्त्र, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब आपका वृहदान्त्र, या इसी को आप बड़ी आंत कहते हैं। ये क्या कहलाता है, यही आपका वृहदान्त्र या बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, यही लार्ज इंटेस्टाइन या वृहदान्त्र या बड़ी आंत कहलाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मतलब है कहने का इसका, इसका कहने का ये मतलब है कि जो आपकी बड़ी आंत होती है, वृहदान्त्र होती है, वो बड़ी क्यों कहलाती है बच्चों, क्योंकि वो वाइडर यानी कि चौड़ी ज्यादा होती है, उसमें क्या होती है, स्पेस ज्यादा होती है। बड़ी आंत और छोटी आंत का जो नाम है वो बड़ी और छोटी इसलिए है क्योंकि उसमें बड़ा स्पेस है और छोटी आंत में स्पेस छोटा है, ठीक है। अदरवाइज जब आप लंबाई की बात करते हैं तो बड़ी आंत आपकी लंबाई में कम होती है, चौड़ाई में ज्यादा होती है, ठीक है, उसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है। तो जो बड़ी आंत होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले लंबाई में कैसी होती है, शॉर्टर यानी कि छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, यानी कि ये आपकी 1.5 मीटर के करीब लंबी होती है, जो आपकी बड़ी आंत होती है ये लंबाई में लगभग लगभग 1.5 मीटर के करीब लंबी होती है। इट्स फंक्शंस इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। इसका क्या काम है, जो आपके भोजन में मौजूद
जल की मात्रा है, उसे एब्जॉर्ब कर लेना बड़ी आंत का काम है, और कुछ सॉल्ट्स को और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी आंत का है। वो बड़ी आंत में क्या पहुंचता है? डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक दीवारों में उपस्थित दीर्घ रोम जो है, विली जो है, उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अधपचा हुआ भोजन जो पाचन क्रिया के बाद बच गया, जिसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, ऐसे फूड को उसमें उपस्थित कुछ सॉल्ट्स को और वाटर को क्या करता है? बड़ा आंत, बड़ी आंत जो होती है वृहदांत्र, जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस, ठीक है। और उसके बाद फिर जो उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, वो सेमी सॉलिड के रूप में आपके शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, फ्लश आउट कर दिया जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि डेली हर शरीर का एक रूटीन फिक्स होता है, और उस रूटीन पे जो ये फीकल मैटर होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, इस प्रकार के पदार्थों को शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, उसे हम क्या कहते हैं? इजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वृहदांत्र यानी बड़ी आंत के बारे में, वृहदांत्र छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है बच्चों, और इसका मुख्य कारण क्या है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ जो बिना पचा हुआ पदार्थ था, जिसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाया था, वो पदार्थ क्या है आपका? वो मलाशय में चला जाता है, और उसमें आपका सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में रहता है, और टाइम टाइम पर वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को आप इजेशन या निष्कासन कहते हैं। तो इस जगह पे आपको, आपने अगर कहें कि पाचन किस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक, तो आप कलेक्टिवली ये बोल सकते हैं कि हमारे भोजन खाने से ले करके, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन के उपरांत, उसके हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के टाइम तक, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल था उसको शरीर के द्वारा निकाले जाने के बीच में जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन के अंतर्गत आती है। उसके अंदर जो भी शरीर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस कैसे हैं आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर? पाचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपके खाना खाने से लेकर के और वेस्ट मटेरियल के शरीर से निकाले जाने के बीच जो भी प्रक्रिया होती है आपके खाने के साथ, वही प्रक्रिया आपकी पाचन कहलाती है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि जितने भी पार्ट्स थे, उन सारे पार्ट्स में पाचन के टाइम पे अलग अलग कौन कौन सी प्रक्रिया होती है ना। मैंने आपको बताया था कि मुंह से लेकर के स्टार्ट होता है आपका पाचन, और वो जा करके फिर मुख गुहिका, फिर उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद फिर आपका आमाशय यानी पेट में पहुंचता है, पेट में पहुंचने के बाद आपका छोटी आंत में जाता है, वहां पे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ आपके एंजाइम्स के का सिक्रीशन होता है वहां पे, वो एक्ट करती हैं आपके भोजन पे, भोजन का पाचन होता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसराल में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उससे निकले पोषक तत्वों का आपके छोटी आंतों में उपस्थित दीर्घ रोम के द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों? अवशोषण कर लिया जाता है, या ये कह सकते हैं आपकी सोख लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी सूखे कपड़े पर अगर आप पानी डाल देते हैं, तो पानी उस कपड़े को अंदर, पानी कपड़े के अंदर समा जाता है, और कपड़ा क्या कर लेता है? उस पानी को सोख लेता है। उसी तरह से आपके छोटी आंत के अंदर जो दीर्घ रोम होते हैं, जो उंगलियों के जैसी संरचना होती है, वो क्या करती है? आपके शरीर में उपस्थित पोषक तत्व जो भोजन के द्वारा पहुंचे हैं, उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद फिर शरीर में उसका
यूज होता है, किस काम के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, और उस एनर्जी से आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे काम करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद हम, ये तो मनुष्यों के पाचन की बात हो गई, हम मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है उसके बारे में बात हो गई। आज हम बात करेंगे कि जो आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी घास खाने वाले जो भी जंतु होते हैं, उनके अंदर पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। किसके अंदर आपको बात करनी है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है उसके बारे में हमें बात करनी है। घास, अब घास खाने वाले कौन कौन से जंतु हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, हर वो जंतु जो शाकाहारी होता है, घास पात पे जिंदा रहता है, जैसे आपका गाय है, भैंस है, फिर शीप है आपकी, ये सभी कैसे होते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, घास चरते हैं, है ना, जो क्या करते हैं फील्ड्स में, खेतों में क्या करते हैं, पत्तों को और पौधों को, इनको सबको खा करके जो अपना पेट भरते हैं, इस प्रकार के जंतु घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया आपको समझनी है। तो देखिए, मनुष्य का पाचन तंत्र घास खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र से क्या होता है, एकदम अलग तरीके का होता है, या कह सकते हैं आपकी वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो कोशिकाएं जंतुओं की होती हैं बच्चों, और जो वनस्पतियों की कोशिकाएं होती है ना, पौधों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो पौधों का जो पाचन होता है शरीर के अंदर वो भी अलग तरीके का होता है, इसलिए घास खाने वाले जंतुओं का जो पाचन तंत्र होता है वो कुछ अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज, जैसे आपकी गाय, बफेलोज यानी भैंसें, ये क्या करते हैं कंटिन्यूअसली, ये आप इसको जान नहीं पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं या नहीं ईट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने मुंह को लगातार चलाते रहते हैं। आपने कभी कभी आप एब्जॉर्ब करिए कि क्या करते हैं, वो अपना मुंह को लगातार चलाते रहते हैं। वो आपने उनको जब चारा खाने के लिए दिया जाता है तो क्या करते हैं, चारे को पहले क्विकली अंदर कर लेते हैं पूरे शरीर के, और उनके पेट के अंदर स्टोरेज का एक पार्ट होता है, उस पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी पार्ट को कहते हैं रुमेन, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। तो उस पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद उस रुमेन में जो आपका इसका फूड है, चारा जिसे कहते हैं, घास होती है, उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है, और यानी कि थोड़ा सा पचा देता है। ठीक है, आधा पचा देता है, और आधा पचाने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं, कड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। तो कड का क्या करते हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे लम्स में, लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ, लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वापस मुंह के अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद फिर जो जानवर होता है वो क्या करता है, अपने खाने को खूब अच्छे से चबाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को आप रूमिनेशन, या इसी को आप क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। ठीक, तो आज आप लोगों को ये समझ में आया बच्चों कि जो जंतु होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो लगातार अपना मुंह क्यों चलाते रहते हैं। आपने कभी, आपको एब्जॉर्ब करना है, आप कभी देखिए, ऑब्जर्व करिए कभी, कि जो गाय होती है, भैंस होती है, या घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो लगातार क्या करते रहते हैं बच्चों, जुगाली करते रहते हैं ना, मुंह अपना चलाते रहते हैं, तब भी जब वो खाना ना खा रहे हो, यानी वो अपने चारा ना ले रहे हो, उस समय पे भी उनका मुंह लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, सब वो क्या करते हैं, असलियत में क्या होता है बच्चों, कि वो जो उनको घास या चारा दिया जाता है, उसको वो जल्दी जल्दी निगल करके अपने पेट के एक जगह में, एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, या स्टोर कर लेते हैं ना,
तो स्टोर कर लेते हैं उस भाग को, क्या कहते हैं उसी भाग को रुमेन, या उनका क्या कहा जाता है, प्रथम आमाशय या पहला पेट आप कह सकते हैं, प्रथम आमाशय कहलाता है रुमेन। इसको हम क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं, रुमेन उनका प्रथम आमाशय कहलाता है। और उसके बाद इस तरीके के जो जंतु होते हैं बच्चों, वो रुमिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक, तो रुमिनेंट्स में जो आमाशय होता है ये चार भागों में बटा होता है। ठीक है, रुमिनेंट्स में जो पेट होता है, रुमिनेंट्स यानी कि आपके सभी घास खाने वाले जानवर, रुमिनेंट्स में पेट क्या होता है या आमाशय, आमाशय ये चार भागों में बटा हुआ होता है, चार भागों में बटा हुआ होता है। तो पहला भाग उसका क्या कहलाता है बच्चों, पहला भाग ही उसका प्रथम आमाशय कहलाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। पहला भाग जो है वही प्रथम आमाशय कहलाता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। तो जैसे ही उसने चारा खाया, जानवर ने चारे को क्या कर देता है, पहले निगल लेता है बिना चबाए हुए, बिना उसको पचाए हुए, और उस रुमेन या प्रथम आमाशय के स्टोरेज में पहुंचने के बाद वहां पे वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर छोटे छोटे लम्स के रूप में, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वो क्या होता है, वापस से फिर मुंह में लेकर के आता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करता रहता है, चबाता रहता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रक्रिया को हम जुगाली करना कहते हैं। तो जो कड़ होता है, कड़ क्या कहलाता है बच्चों, कड़ को ही हम जुगाल कहते हैं। ठीक, तो जुगाल को ही वो क्या करता है, जुगाल को चबाते रहता है, इसलिए उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुगाली करने की प्रक्रिया कहते हैं। और इस तरीके के जो जीव होते हैं, इस तरीके के जो जानवर होते हैं, ये आपके रुमिनेंट्स या रोमन्थी कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जानवर क्या कहलाते हैं, आपके रुमिनेंट्स या रोमन्थी कहलाते हैं। ठीक, अब ये क्यों होता है आपको इसके बारे में जानना है कि जो घास खाने वाले जंतु हैं उनके शरीर में पाचन की प्रक्रिया मनुष्यों के अनुसार या मनुष्यों की तुलना में अलग होती है, अलग तरीके की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब वो जो खाते हैं उसका पाचन किस तरह से होता है? देखिए, जो मनुष्य खाना खाते हैं उसमें क्या क्या मौजूद होता है, जो मनुष्य खाना खाते हैं उसमें आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें मिलता है प्रोटीन, उसमें और क्या मिलता है, विटामिन्स, उसमें मिलते हैं मिनरल्स। लेकिन जो चारा खाने वाले या घास खाने वाले जंतु होते हैं, उनके चारे में ऐसी क्या चीज मौजूद होती है जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी पाचन प्रक्रिया ही मनुष्यों से डिफरेंट होती है, या पाचन तंत्र ही एकदम अलग तरीके का होता है? तो उसका रीजन आपको जानना है, जो चारा खा रहे हैं उसमें ऐसा क्या चीज मौजूद है जो जो इनको जुगाली करने के लिए या उसके मुंह में पर खाने को अंदर पचाने के बाद फिर मुंह में वापस लाके फिर दोबारा से चबाना पड़ता है, उसके पीछे क्या रीजन क्या है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन एनिमल्स, जो आपकी घास होती है बच्चों, जिस जो घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं, या जिसको आप जैसे गाय है भैंस है, ये क्या खाते हैं, ज्यादातर चारे के रूप में खाते हैं घास। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, यानी जो आपकी घास होती है जो जानवर खाते हैं, वो किसमें, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज, एक ऐसा पदार्थ होता है कि सेलुलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में बहुत टाइम लेता है या बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तरीके का ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो अलग तरीके का है। मनुष्यों में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और सेलुलोज क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो इसी सेलुलोज की ही बनी हुई होती है बच्चों। ठीक है, तो
अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन रूमिनेंट्स यानी जितने भी रोमन्थी जानवर होते हैं उनके भोजन में घास में क्या पाया जाता है, आपका सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज किस में, जैसे आपका कैटल है, डियर है, गाय है, यानी कि बफेलोज हैं, भैंसे हैं, ये क्या होती हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों मिथेनोजेंस नाम के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और वही बैक्टीरियाज क्या होते हैं, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत सारे जंतु, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मनुष्यों को भी ले लीजिए, तो मनुष्य क्या करता है, सेलुलोज का पाचन अच्छी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए उसी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक, सेलुलोज के पाचन के लिए उसी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। तो आपको जानना है कि घास में सेलुलोज की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। जो भी गाय, भैंस या घास खाने वाले जंतु होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने खाने को निगल करके अपने पेट के एक भाग में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। और वो जो भाग में भंडारित कर लेते हैं वो भाग उनका क्या कहलाता है बच्चों, रुमेन, या उसे आप उनका प्रथम आमाशय कहते हैं। वो उनका पहला पेट होता है जहां पे वो जल्दी जल्दी निगल करके अपने चारे को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर स्मॉल लम्ब्स के रूप में क्या करते हैं, वापस मुंह में लेके आते हैं, फिर अच्छी तरह से उसको चबाते हैं और लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। और इस प्रकार के जो जंतु होते हैं बच्चों, ये आपके रूमिनेंट्स या रोमन्थी कहलाते हैं। ठीक, इनमें जो घास होती है, घास जो ये लोग खाते हैं, तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी उसके अंदर सेलुलोज की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। और सारे रूमिनेंट्स में, जैसे हिरन आदि में क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और यही बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक, इसीलिए बहुत सारे जंतु और ह्यूमंस भी ये क्या करते हैं बच्चों, ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके शरीर में वो वाले स्पेशल बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। ठीक, बहुत सारे जानवर जैसे आपके घोड़ा या खरगोश, ये सब जो होते हैं, इनमें भी एक जो इनकी छोटी आंत होती है और इनकी जो बड़ी आंत होती है, इन दोनों के बीच में एक थैली की जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। उसे क्या कहते हैं, हम सीकम कहते हैं, या उसको आप क्या कह सकते हैं, अंधनाल। हिंदी में उसको क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में उसको कहते हैं अंधनाल। अंधनाल किसके, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में, उनके एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, किसके बीच में, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होती है, एक अंधनाल सी संरचना होती है। और उसमें भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सर्टेन बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। और वो उस टाइप के सर्टेन बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो इंसानों में उस तरीके के बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरियाज आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स में मौजूद होते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक, यानी कि सेलुलोज का पाचन जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ करते हैं, किस पार्ट में, सीकम वाले पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने सारे जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है। बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं बच्चों जिनके अंदर ना तो मुंह होता है, ठीक है, ना ही उनके अंदर इजेशन करने के लिए कोई पार्ट होता है, सिंगल एक ही सेल से बने हुए होते हैं। तो वो किस तरह से अपना खाना खाते हैं और किस तरह से उसको पचाते हैं,
उसके लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्निक वो अपनाते हैं, उस टेक्निक के बारे में हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको ये लर्न करना है, बार बार मैं समझा रही हूँ आपको, कि जो इंसान होते हैं, इंसानों के अंदर सेलुलोज का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनका पाचन तंत्र थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक। अब हम अमीबा के बारे में जानेंगे कि अमीबा जो आपका एक सिंगल सेल एनिमल है, तो उसमें किस तरह से पाचन की प्रक्रिया हो रही है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में समझने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को, देखो आप लोगों को किसके बारे में आपने जाना, मनुष्यों में पाचन किस तरह से हो रहा है ना, मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया इस बारे में आपने जाना, ठीक। और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है उस बारे में जाना, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, दो टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बच्चों कि जो आपके मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। तो अब हम अगले सेशन में इसके बारे में एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा के बारे में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सभी ने इस चैप्टर में मनुष्यों के अंदर पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जाना। उसके बाद घास खाने वाले एनिमल्स में एक विचित्र प्रकार से पाचन प्रक्रिया होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो लगातार, मैंने आपको बोला आप जंतुओं को ऑब्जर्व करके देखिएगा, आप देखेंगे कि जो जानवर होते हैं घास खाने वाले वो लगातार अपने मुंह को चलाते रहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली करना क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहले अपना पूरा चारा अपने पेट के अंदर लेके चले जाते हैं, जो आपका प्रथम आमाशय रुमेन पार्ट होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद उस अधपचे हुए भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर लेकर के आते हैं, और उसके बाद उसको लगातार चबाते रहते हैं। जब वो खाना ना भी खा रहे हो, चारे वाली जगह पे ना भी हो, तब भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनको रुमिनेंट्स या रोमन्थी जानवर कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, और मनुष्यों के अंदर वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं। आज के सेशन में इतना ही, आशा करती हूँ आप सभी को मनुष्यों के अंदर पाचन प्रक्रिया और घास खाने वाले जानवरों के अंदर पाचन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगले कुछ सेशंस में हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आज की कक्षा के जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।